हाय वीवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं पुरानी दिल्ली की मशहूर मिठाई शाही टुकड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.25 लीटर दूध लिया है और हमने 10 ब्रेड्स ली है, इसी के साथ 1/2 कप मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1.5 कप चीनी और गार्निशिंग के लिए टूटी फूटी और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। हमने यहाँ पर ब्रेड की किनारियों को निकाल लिया है और हर एक ब्रेड को 2 पीस में कट कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर कढ़ाई में 1 कप घी गरम कर लिया है। अब हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। ब्रेड यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी ब्रेड फ्राई हो चुकी है, अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने एक बर्तन में 1.5 कप पानी लिया है। अब हम इसमें हमारी ली हुई 1.5 कप चीनी ऐड करेंगे। चाशनी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुकी है। ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट तक और पकाएंगे। हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी चाशनी ठंडी होती है, हम दूध को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर दूध में उबाल आने लगा है, अब हम इसमें मिल्क पाउडर का पानी में बनाया हुआ मिश्रण ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको लगातार हिलाते हुए पकाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। चाशनी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें फ्राई की हुई ब्रेड को ऐड करेंगे और इसमें डीप कर देंगे ब्रेड को और इसमें से निकालने के बाद इस तरह से एक डिश में जमा देंगे। यहाँ पर ब्रेड की एक लेयर तैयार हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर ही ब्रेड की दूसरी लेयर जमा लेंगे। ब्रेड की दोनों लेयर तैयार है, अब हम बची हुई चाशनी को इसके ऊपर पोर कर लेंगे। दूध को पकते हुए तकरीबन 1/2 घंटा हो चुका है, अब हम इसमें केसर ऐड करेंगे। केसर यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है। इसी के साथ हम इसमें कॉर्नफ्लोर का दूध में बनाया हुआ मिश्रण भी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। इसको लगातार हिलाते रहना है। हमें यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को डाले हुए सिर्फ 5 ही मिनट हुई है और आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी रबड़ी बनकर तैयार हुई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस रबड़ी को ब्रेड की लेयर के ऊपर पोर कर देंगे। यहाँ पर हम गर्मा गर्म रबड़ी को ब्रेड की लेयर पर पोर कर देंगे। यहाँ पर हमने रबड़ी को ब्रेड के ऊपर अच्छे से पोर कर लिया है, अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। इसी के साथ हम इस पर ऐड करेंगे टूटी फूटी। अब वक्त है इस पर गर्मा गर्म घी ऐड करने का। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
पुरानी दिल्ली की मशहूर मिठाई शाही टुकड़ा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।